हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कर रहे हैं रिपोर्टिंग रूट प्रूनिंग गुड़हल के प्लांट की। मेरे पास गुड़हल के कई सारे प्लांट हैं, जिनमें से ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये हाइब्रिड गुड़हल का प्लांट है और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है इस पर। काफ़ी पुराना है ये प्लांट, मेरे पास 2-3 साल से है और काफ़ी अच्छा घना बुशी भी हो गया है। देखिए, और देखिए 2 ही दिन के अंदर इसकी सारी पत्तियां कुछ इस तरीके से पीली हो गई, जबकि इसके हर ब्रांच पे कलियां भी बनी हुई हैं। तो जब मैंने देखा तो इसकी रूट्स काफ़ी हद तक पॉट पे मिट्टी के ऊपर भी आ गई हैं और नीचे से भी निकल रही हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी अपने सारे ही गुड़हल के प्लांट की रिपोर्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि सारे ही मेरे प्लांट्स पे रूट बाउंड हो चुका है। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे हमारे प्लांट ग्रोथ रोक देते हैं और उनमें अच्छी फ्लावरिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वैसे गुड़हल के कुछ देसी वैरायटी होती हैं और कुछ हाइब्रिड वैरायटी होती है। देसी जो होते हैं गुड़हल, वो समर के प्लांट माने जाते हैं, समर में अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, और जो हाइब्रिड होते हैं वो विंटर में ही काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। वैसे आप चाहे तो गुड़हल के प्लांट से साल भर ही फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो देखिए, ये कुछ इस तरीके से देखिए रूट्स बाहर आ गई हैं और ये देखिए कितनी मोटी मोटी इसकी स्टेम हो गई हैं। ये पतली पतली सी स्टेम मैंने कटिंग से लगाई थी लास्ट ईयर, जो कि काफ़ी अच्छे से ग्रोथ की हुई हैं। और देखिए किस तरीके से इसकी रूट्स, देखिए तो इतनी जब रूट इसकी फैली हुई है, इतनी रूट्स इसकी बाउंड हो गई हैं, तो धीरे धीरे ये प्लांट मेरे ख़राब हो जाएंगे अगर मैं इनको रिपोर्ट नहीं करूँगी। तो मैं इन्हीं पॉट में इन्हें दोबारा से शिफ्ट करूंगी, उसके लिए मुझे इसकी रूट्स प्रूनिंग करनी पड़ेंगी, तो मैं वही सब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉट निकाले हुए हैं, इनकी रिपोर्टिंग मैं आज करूँगी और बाकी मुझे और भी करनी है जिनको मैं बाद में करूँगी, एक साथ में नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए निकाल लेती हूँ इन्हें, और ये काफ़ी लेंदी से हो गया, लंबी लंबी सी इनकी ब्रांचेज हो गई, तो इन्हें मैं कट करके प्रूनिंग करके छोटा करूँगी। तो देखिए मिट्टी में क्या लेना है, पहले मैंने पॉट से निकाल लिया है ये देखिए इस तरह से प्लांट को, लेकिन मैं पहले मिट्टी रेडी कर लेती हूँ ताकि जब भी मैं रूट ओपन करूँ तो डायरेक्ट इसे पॉट में डालूँ। रूट ओपन करने के बाद हमें प्लांट को ज़्यादा देर तक सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। तो मिट्टी में क्या है, देखिए ये पुराने गमलों से निकली हुई मिट्टी है जिसे अच्छे से धूप पर सुखा लिया गया है, और फंगस फ्री मिट्टी होनी चाहिए हमारी जो भी हम ले रहे हैं, और इसमें पहले से ही सैंड मिक्स है अच्छे से, देखिए पोरस है सॉइल, तो मैं अभी सैंड नहीं मिक्स कर रही हूँ इसमें, इसी मिट्टी को यूज़ करूँगी। और दूसरा मैंने जो फर्टिलाइज़र में लिया है वो है गोबर की खाद। गोबर की खाद मेरे पास थोड़ी है अभी, इसलिए मैं थोड़ी गोबर की खाद और थोड़ी किचन वेस्ट कंपोस्ट ऐड करूँगी। तो गोबर की खाद जब भी आप डालें तो अच्छे से सड़ी हुई होनी चाहिए, नहीं तो प्लांट पे फंगस लग सकता है। और ये किचन वेस्ट कंपोस्ट भी मैंने ऐड कर ली है, क्योंकि ये ही है मेरे पास, वर्मी कंपोस्ट नहीं होता है यहाँ पे, नहीं मिलता है। और उसके साथ मैं डालूँगी थोड़ा फंजीसाइड और ह्यूमिक एसिड। तो इन सबको मिक्स करके एक सिंपल सी मिट्टी मैं रेडी कर लूँगी। थोड़ी सी नीम खली भी डाल रही हूँ ताकि प्लांट पर किसी तरह का फंगस ना लगे। कभी कभी क्या होता है, विंटर में भी बारिशें हो जाती हैं, तो हमें पूरी सेफ्टी रखनी चाहिए, सॉइल हमेशा ऐसी तैयार करनी चाहिए कि हमारा प्लांट किसी भी तरह के रूट फंगस से, रूट रॉट से बचा रहे। तो देखिए इस तरह से इसे मिक्स कर लूँगी अब मैं। ये वाला फंजीसाइड मैं यूज़ करती हूँ, साफ फंजीसाइड, और ये ह्यूमिक एसिड है जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो पे भी बताया है। तो अगर आप जानना चाहेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल में, तो मैं डिटेल में बताऊँगी। ये अच्छा होता है, रूट्स की जो ग्रोथ है उन्हें इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, तो ये इसलिए मैं रिपोर्टिंग वगैरह में यूज़ करती हूँ। इस सबको मिक्स करके अब हम ओपन करेंगे प्लांट की रूट्स को। तो मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियो में रूट प्रूनिंग दिखाई है। एक बार मैंने चांदनी के प्लांट की रूट प्रूनिंग की थी, और भी किसी प्लांट पे रूट प्रूनिंग मैंने दिखाई हुई है। तो देखिए बस हमें आराम से क्या करना है, इस तरह से रूट्स को ओपन करते जाना है। जब भी हम रूट प्रूनिंग कर रहे होते हैं किसी भी प्लांट की, तो हमें ध्यान देना होता है कि उसकी टैब रूट ना ख़राब हो। टैब रूट जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से अलग ही होती है। आप जब भी प्लांट को ओपन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये प्लांट के जो मेन स्टेम है वहाँ से जुड़ी होती है। तो ये अगर डैमेज नहीं होगी तो हमारा जो प्लांट है वो किसी भी तरह के शॉक में नहीं जाएगा।
बाकी जो साइड की जो रूट्स होती हैं, फाइबर रूट्स कहलाती हैं ये सारी, तो ये जितनी भी हम कट करें उससे प्लांट को फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे प्लांट हमारा शॉक पे नहीं जाएगा। बस हमें टैप रूट का ख्याल रखना होता है, वो इनसे थोड़ी सी मोटी और अलग ही होती है जैसे मैंने आपको दिखाया, तो वो समझ आ जाती है, उसे बस हमें डैमेज नहीं करना होता है। चाहे वो जितनी भी लंबी हो उसे आप वैसे ही रहने दीजिए तो अच्छा रहेगा। ज़मीन पे जब ये प्लांट रहते हैं तब इनकी रूट्स काफ़ी नीचे तक चली जाती हैं और हमें इन्हें रिपोर्ट करने की या इधर से उधर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ज़मीन में तो ये गहराई तक चले जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी इसकी रूट्स यहाँ वहाँ से खींच लेती हैं। तो इसलिए हमें इन प्लांट्स को ज़मीन पे लगे हैं तो उन्हें कुछ नहीं करना होता है। और जब भी पॉट में होता है प्लांट तो हमें अपने प्लांट को इस तरह से रूट प्रून करना ही होता है कुछ कुछ टाइम के बाद। डिपेंड करता है कि कितना आपके प्लांट ने ग्रोथ किया है, जितनी स्पीडली प्लांट ग्रोथ करता है उस हिसाब से हमें इसकी रूट्स को प्रून करना पड़ता है। जब भी रूट बाउंड हो जाए आप प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं, रूट प्रून कर सकते हैं। तो इस तरह से इस पॉट में डाल दिया मैंने, सारे ही प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर ली, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। और रिपोर्टिंग करने के बाद आप उसमें अच्छे से वाटरिंग ज़रूर करें फर्स्ट टाइम पे, देखिए, ताकि पानी नीचे से निकल आए। इस तरह से पूरा अच्छे से पानी डालें क्योंकि इसकी सारी जड़ें डिहाइड्रेट हो जाती हैं और हमें इसे नई मिट्टी में डाला हुआ है तो हमें अच्छे से पानी देना होता है और फिर हमें इसे रखना होता है सेमी शेड में। सेमी शेड में रख दिया था मैंने अपने सारे ही प्लांट्स को, एक दो दिन मैं इन्हें सेमी शेड में ही रहने दूंगी। और क्योंकि जब मैंने रिपोर्टिंग की तो सुबह के 10-11 बज चुके थे, आप देख सकते कितनी धूप दिख रही है टेरेस पे, तो मैंने इनकी प्रूनिंग नहीं की थी, स्टेम प्रूनिंग उस टाइम पे। और शाम को मैंने फिर इनकी आके स्टेम प्रूनिंग की, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी आगे। तो देखिए शाम को फिर मैंने इसकी स्टेम प्रूनिंग की थी। स्टेम प्रूनिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जितना आपको प्लांट की हाइट चाहिए या प्लांट कितना बुशी है पहले से उस अकॉर्डिंग करना है। तो इस तरह से मैंने इसकी स्टेम प्रूनिंग की, काफ़ी सारी कट कर दी है मैंने। तो बस अब मैं इनमें फंजीसाइड लगा दूँगी जहाँ से मैंने इन्हें कट किया हुआ है। 2 से 3 दिन के बाद ही देखिए इसमें नई शूट निकलना स्टार्ट हो गई हैं, देखिए छोटी छोटी सी बारीक सी उनके साइड से, और एक भी पत्ती देखिए बहुत ज़्यादा मुरझाई नहीं है, पत्तियाँ इसकी जैसी थी वैसी की वैसी हैं। देखिए हमारे प्लांट को इतने बड़ी रूट प्रूनिंग के बाद भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। और ये देखिए शाम का वेदर बहुत ही सुंदर होता है हमारे यहाँ पर, बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने एक छोटा सा व्यू ले लिया। और ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ 10 से 12 दिन के बाद का रिज़ल्ट। तो कुछ पत्तियाँ इसकी पुरानी जो पीली हुई थी वो गिर गई और नई पत्तियाँ काफ़ी सारी निकल आई हैं। देखिए कुछ पत्तियाँ पीली आपको दिख रही होंगी, पॉट में गिरी पड़ी हैं, जो कि नेचुरल साइन है। और आप देखिए प्लांट हमारा बिल्कुल शॉक में नहीं गया, और जहाँ से मैंने कट किया हुआ था यहाँ से कट किया है तो उसके आसपास कितनी सारी ब्रांचेस निकल आई हैं और काफ़ी अच्छी बड़ी भी हो गई है। जब मैंने रिपोर्टिंग रूट प्रूनिंग की तो 3रे-4थे दिन के बाद बारिशें भी हो गई थी, तो उससे भी प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गया, अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है ऐसे में। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये पूरा वीडियो रिपोर्टिंग और रूट प्रूनिंग का अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो काम का लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है पहले से उनको थैंक यू, और साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा अगर नहीं किया है तो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं वीक में 2 से 3 बार वीडियो डालती हूं गार्डनिंग के ही, तो आप ज़रूर चेक करिएगा कि आपने बेल आइकन क्लिक किया है या नहीं किया है। तो देखिए फ्रेंड्स उसके और 8 दिन के बाद इस मेरे इन प्लांट्स पे फ्लावरिंग भी हो गई। ये देखिए एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर आया है, और साइड में एक और इसमें कली आई थी लेकिन उसे मंकी ने कल ख़राब कर दिया, तोड़ दिया, तो वो फ्लावर नहीं खिल पाया। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गाइस।